हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टाटा टियागो 2020 और मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बीच, और जानेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, और कौन सी गाड़ी की क्या खूबी है और क्या कमी है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, कहीं मत जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें डायमेंशंस की तो देखिए, स्विफ्ट जो है वो टियागो से ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, व्हील बेस भी स्विफ्ट का ज़्यादा है, बूट स्पेस भी स्विफ्ट में आपको ज़्यादा मिलता है टियागो से, सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट जो है वो टियागो की ज़्यादा है स्विफ्ट से। अब बात करें फीचर्स की तो देखिए, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो स्विफ्ट में आते हैं बट टियागो में नहीं आते, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो टियागो में आते हैं बट स्विफ्ट में नहीं आते। जैसे स्विफ्ट में आपको LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑटो हेडलैम्प्स, स्मार्ट की, रिक्वेस्ट सेंसर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, लगेज लैम्प, लेदर स्टीयरिंग व्हील और आइसोफिक्स चाइल्ड सपोर्ट वगैरह जैसे फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। और वहीं टियागो में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 स्पीकर्स, टैबलेट स्टोरेज स्पेस इन ग्लव बॉक्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स आपको टियागो में ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग, ऑटो AC, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल 4 पावर विंडोज विथ ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एडजस्टेबल रेयर व्यू मिरर, रेयर पार्किंग कैमरा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल वगैरह जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। क्रैश टेस्ट की बात की जाए तो जहां स्विफ्ट को ग्लोबल एनकैप में 2 स्टार मिले हैं तो वहीं टियागो को 4 स्टार मिले हैं। इंजन्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के डीजल इंजन बंद हो चुके हैं। टियागो में कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू हो चुका है और स्विफ्ट में भी ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है। अप्रैल 2020 से आपको स्विफ्ट में डीजल इंजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। वैसे भी अभी जो डीलर्स के पास स्टॉक रखा है वही है बस, स्विफ्ट डीजल का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो स्विफ्ट में आपको मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन जो 83 PS और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों के साथ आता है। वहीं टियागो में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन जो 86 PS और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों के साथ आता है। प्राइसिंग की बात की जाए तो दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये प्राइस इंदौर मध्य प्रदेश की प्राइस है। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, सीट बेल्ट्स विद लोड लिमिटर्स और स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जहां स्विफ्ट में आपको ब्रेक असिस्ट एक्स्ट्रा मिलता है तो वहीं टियागो में आपको कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अब बात करते हैं खूबियों की और कमियों की। तो शुरू करते हैं स्विफ्ट से। तो स्विफ्ट की खूबियां हैं इसका इंजन जो 4 सिलेंडर है और रिफाइनमेंट के मामले में भी अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। अगली खूबी है इसकी रीसेल वैल्यू, ये भी आपको सेगमेंट में बेस्ट मिलती है सेकंड हैंड कार मार्केट में। अगली खूबी है मारुति का सर्विस नेटवर्क जो टाटा से काफ़ी बड़ा है। अगली खूबी है स्पेस, इसमें आपको टियागो से थोड़ा बेहतर स्पेस मिलेगा। कमियों की बात करें तो सेफ्टी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में इसे सिर्फ 2 स्टार ही मिले हैं। अगली कमी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, मेटल शीट थिन होने की वजह से इसमें डेंट्स काफ़ी आसानी से आ जाते हैं। अगली कमी है इसका स्टिफ सस्पेंशन जो ख़राब सड़कों पर एक बेहतर राइड क्वालिटी नहीं दे पाता। बात करें टियागो की खूबियों की तो टियागो की खूबी है सेफ्टी, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में इसे 4 स्टार मिले हैं। अगली खूबी है इसकी बिल्ड क्वालिटी जो अपने सेगमेंट में तो क्या, अपने से ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अगली खूबी है इसका सस्पेंशन सेटअप जो एक बेहतरीन हैंडलिंग के साथ साथ बेहतरीन राइड क्वालिटी भी देता है। अगली खूबी है इसकी प्राइस जो काफ़ी कम है अगर हम स्विफ्ट से कंपेयर करें तो। कमियों की बात की जाए तो पहली कमी है इसका 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसमें NVH लेवल थोड़े ज़्यादा फील होते हैं कंपेयर टू अदर 3 सिलेंडर इंजन्स। अगली कमी है टाटा का सर्विस नेटवर्क और पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे तो टाटा का सर्विस नेटवर्क काफ़ी छोटा है और गांव या छोटे शहरों में भी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू भी रहता ही रहता है।
तो फाइनली बात करते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो देखो यार, यहाँ पर टियागो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर स्विफ्ट से कंपेयर करें तो आपको बहुत कम पैसों में एक सेफ़ कार मिल रही है और फीचर लोडेड कार मिल रही है। तो यार, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं दोनों कार्स में से, तो डेफिनेटली टाटा टियागो एक बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप निश्चिंत रहना चाहते हैं तो फिर स्विफ्ट बेहतर है, क्योंकि इसकी रिसेल वैल्यू आपको टियागो के मुकाबले हमेशा अच्छी ही मिलेगी, और फिर 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो गाइज, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो टाटा टियागो और मारुति स्विफ्ट के बीच। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में जो भी सवाल हो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू।